नमस्ते भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम ब्रह्मचर्य पालन की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं वे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। इसमें ब्रह्मचर्य के साधन में स्वामी उमानंद ने एक एक बातें बड़ी डिटेल में और बड़ी सुंदर तरीके से बताई हैं, जिसमें वे प्रथम भाग में सभी ब्रह्मचारी व्यक्तियों की दिनचर्या की शुरुआत प्रातः काल जगने से लेकर करते हैं। इसमें वे कहते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ब्रह्मचारी है या गृहस्थ जीवन का है, सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 2.5 से 1 घंटे पहले का समय होता है और इसमें भगवान मनु भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बोलते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, अपने शरीर के क्लेशों को और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और वेदों के तत्वों का भी अध्ययन करना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, उनको रोग छूते तक नहीं, मतलब उनका शरीर लंबे समय तक कार्य कर सकता है। और शास्त्रों में तो प्रातः काल उठने के इतने ज्यादा फायदे बताए गए हैं कि जिनको आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते। इसलिए अगर आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो इसके लिए जल्दी सोना भी जरूरी है, जिसमें वे कहते हैं कि लगभग सभी व्यक्तियों को 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठकर परमपिता परमात्मा का चिंतन करके धर्म और अर्थ का विचार करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय को अमृत वेला भी कहते हैं। यह समय देवों के देव महादेव, जिसका निज नाम ओम है, का स्मरण करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय प्रकृति भी सब जगह शांत रहती है। यह ऐसा कहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सब जगह सुंदरता, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य रहता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्य करने के लिए ईश्वर ने इस समय की रचना की है। इस समय पापी से पापी व्यक्तियों का भी ईश्वर भक्ति में मन लग जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की इच्छा हो उठती है और इसी कारण से ही पशु पक्षी अपने आप ही इस समय उठ जाते हैं। इसमें आगे स्वामी उमानंद कहते हैं कि व्यक्ति को तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक उसको सूर्य के दर्शन न हो जाए या जब तक सूर्य उदय न हो जाए, और यही ऋषि महर्षियों ने अपने शास्त्रों में कहा है तथा इसी कारण से ही ऋषि महर्षि इस समय का सही उपयोग करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। इसी भाव को किसी कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि भगवान भक्ति करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है दुनिया में, वो सुख पाता है। हमारे पूर्वज प्रातः काल उठने के महत्व को अच्छे से समझते थे और वे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे इस समय अपनी सारी स्वास्थ्यवर्धक चर्या अपनाकर प्राणवायु लेकर अपने शरीर को इतना सुंदर, बलशाली और स्वस्थ बना लेते थे कि उनके शरीर में रोग और रोगों के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाते थे, जिससे उम्र भर उनको रोग छूते तक नहीं थे। और वेदों के अध्ययन, प्राणायाम, योगासन और ईश्वर चिंतन के द्वारा वे मानसिक रोगों को भी भस्म कर देते थे। लेकिन आज हम ऋषि महर्षियों के बताए गए रास्ते से एकदम उल्टा ही चल रहे हैं। हमारे सभी दुखों का यही कारण है और ये हम भी जानते हैं कि जो लोग सोए हुए रहते हैं या ऐसे ही पड़े रहते हैं, वे आलसी, रोगी, दुराचारी तथा बहुत सारी बुरी आदतों के भंडारी होते हैं। उनके स्वास्थ्य और अच्छी आदतों का दिवाला ही निकल जाता है। वे लोग खटिया में या बिस्तर में पड़े पड़े ही प्रातः काल की यह हवा खो देते हैं जिसमें संजीवनी शक्ति भरी रहती है, क्योंकि प्रातः काल उठने वाले व्यक्ति भाग्यवान, स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत भी आती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और आजकल के लोग देर से सोने को और देर से उठने को अपना धर्म समझते हैं। वे देर रात तक गप्पे लड़ाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल में मूवी देखते रहते हैं और कई सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम के चलते देर रात तक पढ़ते रहते हैं और इसी कारण से ही वे सुबह देर से उठते हैं। लेकिन इतना जरूर सुन लो कि ऐसे व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ और ब्रह्मचारी नहीं हो सकते तथा वे भाग्यवान भी नहीं हो सकते। उस व्यक्ति का तेज उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है। यहाँ पर तेज उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, मतलब कि अपने जीवन में सफल होता है। वे व्यक्ति थोड़े से आलस्य के कारण प्रातः काल न उठकर अपनी उन्नति का मूल मंत्र खो देते हैं। अंग्रेजी में एक लोकप्रिय कहावत भी आती है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, मतलब जब शुरुआत हुई तब आधा काम या समय खत्म हो चुका था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रातः काल में उठने से पिछड़ जाता है तो वह शाम तक दूसरों की कंपैरिजन में पिछड़ा ही रहता है, उसका काम समय से नहीं हो पाता।
इसमें वेदों में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य उठो जागो, हमारे लिए जीवनी प्राण शक्ति आ गई है, अंधेरा हट गया है, सुबह की प्रकाश रूपी ज्योति आ गई है, सूर्य के मार्ग को उदय होने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। जहाँ पर जीवन की शक्ति जीवन को बढ़ाती है उस समय में हम पहुँच गए हैं। और इतना सुन लो कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, क्योंकि इसी समय ही सबसे ज्यादा स्वप्न दोष होते हैं। इस समय मल मूत्र का वेग बहुत तेज रहता है जिससे मूत्राशय पर दबाव पड़ जाता है, और उसी मूत्राशय के दबाव के कारण अंडकोश पर भी दबाव पड़ जाता है, और इसी कारण से ही वीर नष्ट हो जाता है तथा गंदे गंदे सपने भी ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आते हैं। इसलिए वीर रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। और संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अभ्यासी थे। प्रातः काल न उठने वाले व्यक्ति आयु बल ब्रह्मचर्य राजकाज सब खो बैठते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य प्रेमी और जीवन में सफल होने वाले व्यक्तियों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। दोस्तों, ये था ब्रह्मचर्य साधन पर पहला पाठ जिसमें हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में जाना। अब इसके अगले पाठ में हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद।